दोस्तों आज अपना भाई जो है चिकन पता नहीं की रेसिपी बताएगा। चिकन पता नहीं इसलिए बोल रहा है क्योंकि अधिकतर क्या रहता है, वो बाहर रहता है तो वहां पर वो खुद खाना बनाता है। तो अब जब वो खाना बनाता है तो अपनी बड़ी तारीफ करता है कि मैं चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो अब वो प्रोफेशनल क्योंकि कुक तो है नहीं, तो इसलिए उसे ये तो पता नहीं कि इसे कौन सा चिकन बोलेंगे। चिकन में भी आपको पता है चिकन में बहुत सारी वेरायटी होती है, अलग अलग नाम चिकन होता है। तो आप वीडियो देख के ये बताना कि इस चिकन का नाम क्या होना चाहिए और कैसा लग रहा है। जब हम तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आप भी अपना व्यू देना। आप भैया की प्याज काटने की स्पीड देख सकते हैं और इसी की वजह से बेचारों को प्याज ही काटना पड़ती है। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा हूं मैं आपको भैया हमारे। और वैसे इनका प्रोफेशन है नहीं ये खाना ना बनाना, काम तो दूसरा करते हैं। ये तेल डाला जा रहा है अभी और इसमें प्याज फ्राई होगा। यार रहम खाओ थोड़ा तेल पे, यार तुम तो ऐसे कभी सरकारी समझ रहे हो तेल, बिल्कुल कितना तेल डाल दिया यार तुमने। हाँ और तुम और कहने बहुत डाल रहे हो, निकल जा रहा है। चलो सही, निकल क्या जाएगा, जब वो खोल जाएगा तो फिर क्या निकलेगा। तेल डाल दिया है पेल के इनने, ठीक है। प्याज इनकी रेडी हो चुकी है, अब देख सकते हैं कढ़ाई में। और करीबन ये तेल कितना हुआ, एक लीटर था, आधा लीटर तेल डाल दिया इन्होंने, आधा लीटर। और आधा लीटर से 100-200 ग्राम ज्यादा ही होगा, मतलब 600-700 ग्राम। और ये यहाँ पर चिकन को क्या कर रही है, क्या इसमें ये फ्राई होगा। अच्छा, ये मसाला डाल के इसे फ्राई करेंगे कह रहे हैं। ये चिकन बहुत मेहनत से इनने धोया है, बिल्कुल कभी चमक मार रहा है ये तो। इसमें ये हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया ये डाल रहे हैं, और थोड़ा सा साबुत मसाला इन्होंने खुद कूटा है वो इसमें डालेंगे बस। और ये इसको मैरिनेट करके इसमें लगा के रख देंगे। इसमें क्या है, मसाला ही है। ये कौन सा मसाला है, साबुत मसाला कुटा हुआ है ना, तो गड़बड़ तो नहीं है इसमें, कहीं भांग डाल लिया उसमें। ये कौन सा मसाला दिखाना जरा, देख तो लूं मैं भी देखूं। अरे अच्छा, ये बिल्कुल जो चिकन में मसाला मिला रहे हैं तो उसको बिल्कुल ड्राई करना चाह रहा है, मतलब बिल्कुल पानी ना रहे बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, और पानी रहेगा तो फिर फ्राई के टाइम उछल कूद मचेगी। हाँ, पानी अगर इसमें रहेगा ज्यादा तो जब ये फ्राई होंगे ये कह रहे हैं तब इसमें ज्यादा थोड़ी वो तेल कूदता है ना, उसकी छींटे आती है वो आई। क्या चीज चाहिए बताओ, चम्मच। अच्छा, थोड़ा ऑयल डाल दिया इसमें, क्या मिला है इसमें तो बता दे। इसमें लहसुन मिला, लहसुन, लहसुन और अदरक। अच्छा, इसमें लहसुन और अदरक का इन्होंने पेस्ट बना लिया है, इतना पेस्ट है। हरी मिर्च भी, और हरी मिर्च भी है। हरी मिर्च कितनी होंगी, करीबन 20 50 ग्राम हरी मिर्च, 50 ग्राम होंगी, 50 ग्राम हरी मिर्च, ठीक। और ये प्याज काटी है इन्होंने, अब ये सब पहले फ्राई कर रहा है। जो तेल अभी गरम गरम कर रहे थे कढ़ाई में डाला था, उसी में ये प्याज डाल दिया, अभी प्याज को फ्राई कर रहा है। ये पहले से हमें बता देता कि जो मुर्गे में बिल्कुल पानी नहीं रहता तो हम उसे धूम में उसकी बोटी तक सुखा लेते हैं। तो फ्राई में कभी भी याद रखो जी, उसको फ्राई को सुखाओ पहले। अरे यार मसाले लगाओ, देखो फिर रख दो फ्रिज में। नहीं, वो तो बात सही, लेकिन हमें थोड़ी पता, हम थोड़ी बना रहे हैं, तभी तुझे बुलाया इसलिए। ये हमने तुम्हें पहले बता रहा, तुम्हें बता सूखा हुआ चाहिए बिल्कुल मुर्गा, तो हम तो एक बोटी धूप में रखते हैं इसकी। और क्या, कभी सुखाते थे धूप में 6 घंटे सुखाते कभी, मालूम है ना गलती। हाँ, गलती। अरे गलती मुझे पता था, तो हमने तो धुलवा दिया और हमने जल्दी धुलेगा, तुम दो को तो पानी में डाल दिया। अब तुम चट 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 कर रहे हो, तुमसे कहीं बड़ा बड़ा वाले ले लाइटर। ये बताओ कितने ड्राई फ्रूट चाहिए, देखो तुम्हें खाने तो ड्राई फ्रूट नहीं तो नहीं है, और डलेंगे तो मिल जाएंगे तुम्हें। सौ ग्राम भाई, देख ऐसा है तो 100 ग्राम में जितने हाँ, तो अभी लोग
क्या डाल इसमें तुम अब क्या कर रहे हैं बताओ? चिकन मसाला, चिकन मसाला। अच्छा चिकन मसाला, इसमें चिकन मसाला है, ठीक है चिकन मसाला है, चिकन मसाले को डालना थोड़ा सा। अच्छा पूरा डलेगा, ठीक ये चिकन मसाला डाल दिया। अब हाँ या तो रुके हैं हम, कोई भाग दिखा रहे हैं, तुम आराम आराम से बनाओ, तुम तो खुद ही दे दी जल्दी करे वाले हो स्पीड में। धनिया ठीक है, दो चम्मच ठीक। और नमक जरूरत से ज्यादा कम? अच्छा जरूरत से कम, थोड़ा हल्का डालना क्योंकि ये अगर ज्यादा बढ़ गया तो सब गड़बड़ कर देगा। हल्दी दो चम्मच, अब क्या करना है? बस हो गया। हो, आप ये गया। इसका क्या करना है? ये भी डलेगा। अच्छा वो ये इनका खुद का बनाया हुआ मसाला है, तो इसमें क्या क्या क्या, क्या मिलाया है? खड़े अच्छा खड़े मसाले, मतलब जैसे थोड़ी सी काली मिर्च इन्होंने मिला रखी है, थोड़ी सी लौंग, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़ी सी लौंग है, और फूल होता है जायफल जावित्री, यही तो है सब चीजें इसमें। हाँ ठीक बस इन्होंने खुद कूटा है इसको, ठीक। अब क्या करना है? अभी भीग जाएगा, इसको भीगना है, इसका पेस्ट बनाना है। तू बताओ यार, मैं बार बार नहीं पूछेंगे, तू बताते रहे ना हमने तो हर बार, तू आप क्या करेंगे जी थोड़ी जल्दी रहेगी। ऐसे भी करते हैं और क्या, तो करना मेरे भाई पे ना, तो वो तो नहीं कह रहे हम, तो अब वो गुस्सा कर रहे तो नहीं कह रही तुम। नमक देखो ऐसा गड़बड़ मत करिए, नमक डाल दीजिए बता दे, खुद बता दे बनेगा इसका बनेगा। हाँ बस ये है कि मसाले फूल जाएंगे। अच्छा मसाले फुला लेना, मतलब हल्के इसमें आधा घंटा एक घंटा, ठीक तो एक घंटा तो फिर तो कितने तो शाम तो बनाते रहोगे तुम? शुरू में भिगो दो मसाले। अच्छा शुरू में भिगोना, हाँ तो जे अब बोले ना तू ये है ठीक सही है, उसको तो एक घंटा भी रहना, लास्ट में डालेंगे यहाँ पर ये काजू बादाम ड्राई फ्रूट इन्होंने मंगाए थे, और ये काजू बादाम इन्होंने भिगो दिए, फिर इसको क्या करो पीसोगे या इसी जिंदा डालो? अच्छा पेस्ट बना के फिर ही डालो, चलो ठीक है दिखाएं। सही है ऐसे डालेंगे गुटली समझ के निकाल दे कोई भी। हाँ बात तो सही कह रही है, तो बात हाँ ये तो बात है। प्याज तो तुम्हारा मुझे लग रहा है शाम तक हो जाएगी तुम्हारी प्याज, गैस चूल्हा खराब है ये भी बता दो। अरे यार गैस चूल्हा जल गया यार, तुम कह रहे गैस चूल्हा खराब है, इतनी तो स्लो में बनाए इतनी तेज है वो। अरे तो चूल्हा तो जल गया, खराब कहाँ है चूल्हा? स्लो है तो आज हम धीरे धीरे तो आराम आराम से बना रहे हैं खाना, जब बने वीडियो में नया चूल्हा आएगा। हाँ नेक्स्ट, अब तुम इतने ताने मार गए तो अगली बार तो आएगा ही, वो तो आएगा ही पक्का, ठीक है तुम शुरू से ही चूल्हे कहे पड़े हो। हाँ चूल्हा है चलो यार, आधा घंटा ठीक है, इसे लगाओ, लंबा वाला लाइटर लाओ, हम उस समय तुमसे कह रहे हैं कि बड़ा वाला लाइटर ले लो, अब कट 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 करते रहो उसी पे, तुम रखा दो बड़ा वाला दूसरी तरफ लाइटर, इसमें कह रहा जब ये वालों, अब क्या करना है? ऑयल डालना है तो जो अलग अलग ये वाला डालना। अच्छा ये मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं इसमें, और कितना डाला है करीबन? डाला है मेरे हिसाब से, हाँ 100 से 150 ग्राम के आसपास है ये। ठीक प्लेट ले लो ना दूसरी, रुको एक मिनट हाथ रोक के बंद नहीं करना। अरे बंद करवा दे, नहीं पड़ेगी यार इतनी देर, तूने जल्दी आना चूल्हा। हाँ चूल्हे को कह रहे हैं तू यार, ये कमाल, तू एक बार कहते थी तूने चूल्हे को। अरे
कुम्हार में तो चूल्हे को कह रहे हो चूल्हा का चूल्हा का निकले कहाँ से? नहीं नहीं वो तो बात ठीक है। ये सारी जो इन्होंने प्याज फ्राई की थी अब ये इन्होंने एक प्लेट में निकालना है। ठीक अब क्या करना है इसके बाद? अभी रुको यार एक मिनट से निकाल से लेना। चलो निकाल लो तुम भी कोई भी एक स्टाफ हमें पहले बताना मत ठीक है। हर एक में रोक रहा है कि इसके बाद रुको अब मसाले को कराया जाएगा हमको जी मसाले मसाला भुना जाएगा ना तो बताते रहो इससे पहले तो हम उधर पोजीशन लें अपनी मसाला बनाएंगे भी। ये देखो प्याज फर्स्ट क्लास गोल्डन ब्राउन हो गई है ठीक है। वैसे गोल्डन ब्राउन तो ये भी हो रहा है पूरे ठीक है। चलो खड़े मसाले दे अरे तो केल उसने दालचीनी उससे पूछ रहे हमसे भी पूछो खा लो अरे पीटे दिखाओ यार चलो देखो क्या डाल दिया काली मिर्च जो क्या डाल रहे हो लौंग ये फूल गोभी का नहीं है जीरा अरे अब तो चटपट होने लगी है तुम्हारा हो गया मसाला इधर ये पेस्ट अच्छा अदरक ये पेस्ट है अदरक अदरक का लहसुन का हरी मिर्च का ठीक बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन और ये पेस्ट और भी तैयार है वो वाला वो पाउडर वाला अब सफेद इलायची डाली तो बताया हो भाई ये वही वाली बात बताते जाओ ना उतनी देर में जितनी देर में देखता हूँ उतनी देर में तुम्हें एक चीज डाल देते हो बताऊं अरे जे इसको क्या बताना है तो पानी हल्का डाला ये क्या डाला जायफल तो जायफल तो वो सॉलिड जैसा अच्छा कूट दिया उसे ठीक हाँ लो अब क्या डाला कौन से तेज पत्ते पत्ते बता यार नीम के ही पत्ते हो यार तो कमाल है यार नीम के इतने बड़े होंगे हाथ ही मर जाए तू एक बार बताऊं तूने दोनों तरफ तो डेगची चढ़ाई एक वो कढ़ाई एक में अब तू कभी कह रहा है कि मैं इसमें डालूंगा इसमें डालूंगा नहीं अब मैं समझा इसमें डाले अब कह रहा मैं इसमें डालूंगा नहीं नहीं चल इसमें डाल अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये फ्राई होगा पहले ये जो इन्होंने चिकन में मसाला लगा के रखा था अब उसे जो फ्राई कर रहे हैं थोड़ा 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 सही है तो कितना करना बिल्कुल सही तरीके से फ्राई होना है एक बढ़िया अरे इसको तो ना एक बात मिर्च सब ब्राउन हो गया अभी ये जो हमने डाला था प्याज लहसुन मिर्च का पेस्ट एक ऑयल में और थोड़ा खड़े मसाले वो सब ब्राउन हो चुके हैं और अब जो है हमें क्या करना है कि ये जो मसाला जो हमने ड्राई मसाला था उसमें भी थोड़ा पानी डाल दिया था उसका पेस्ट तैयार कर लिया था उसे भी डाल दिया बहुत बढ़िया ये काय का पेस्ट बना लिया जी ये बोल बोल बता दो बादाम का पेस्ट है तुमने समझ कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे क्रीम इतनी देर पहली बार इन्हें बताया बोला ये खुद अपने आप मुंह से वरना अब क्या होगा अब क्या करना है दिखा रहा मसाला तैयार हो गया है अभी दिखा रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये काजू बादाम का पेस्ट रेडी ये दही अरे मलाई है अच्छा मलाई दही ये मखाने और फ्राई हो रही है और ये जो है मुर्गा जो है वो फ्राई हो रहा है ठीक है और जब ये फ्राई हो जाएगा चलो ठीक उसके बाद देखो क्या करना अरे हाँ मसाला हाँ ये यहाँ पर ये उसकी ग्रेवी जो उसका शोरबा कहते हैं उसकी तैयारी चल रही है
ये भी भुनना है, इसको भी चला रहा है। ये दोनों चूल्हे को कवर करे हुए हैं, ये उधर फ्राई को भी देख रहा है और उधर इसको भी देख रहा है, ठीक है। कुछ और होता उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो तुम देख चूल्हा ना, तीसरा चूल्हा नहीं है, तुम कह भी तो रहे हो चूल्हा सही चल रहा है, चूल्हा सही चल रहा है। ये चिकन भी तुम्हारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकालना है, ठीक है। ओ आप जी कह दी यार, चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसको निकाल रहे हैं क्योंकि अभी और भी चिकन रखा है, ये इसको भी गोल्डन ब्राउन करना है सही। अब ये जो ग्रेवी तैयार हो रही है उसमें ये काजू बादाम का जो पेस्ट बनाया था वो डाला जा रहा है, काजू बादाम का पेस्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ ज्यादा घिसने ज्यादा नहीं निकल पा रहा। अरे निकल तो रहा है, निकल ले चलो ठीक है, मैंने भी ज्यादा घिसने ज्यादा निकल आया, मजा आ गया, मजा तो आ रहा है, ये तो लगभग सफेद ही आ गई। हाँ ये तो बात है, और अभी इसका कलर और चेंज होगा जब इसमें चिकन बढ़ेगा और बाकी चीजें पड़ेंगी भी, और उसका और चेंज होगा। प्याज ब्राउन की थी, अरे दिखा दे तू, अब हम बोले तो तू डालना शुरू कर दे रहे यार, तू वो दौड़ाता रहेगा हमें साथ में। हाँ तो ये जो इन्होंने प्याज ब्राउन की थी उसे इन्होंने हाथ से मैश करा है मतलब, और बिल्कुल इसको थोड़ा बारीक देख सकते हो, थोड़ा बिल्कुल एकदम बारीक नहीं करा है, अगर बिल्कुल बारीक करना होता तो पेस्ट बनाना होता तो ये पेस्ट बना लेते, उसमें मिक्सी में नहीं बनाया इन्होंने। अब क्या करना है बता, डालो। ओके इसको मसाले कितनी देर हो चुकी है, ये मसाला हो चुका, मसाला जो है ये स्लो आंच पे मतलब मीडियम आंच पे बोलेंगे, मीडियम आंच पे करीबन इसे 20 मिनट हो चुके, 20 मिनट हो गए अभी ने डाला है, तो ये रेडी हो चुका है। इसमें फाइनल क्या क्या रह गया, मतलब इसमें क्या होगा लास्ट में, दही डालने को है, दही डालेगा और क्रीम, अच्छा क्रीम, चलो ठीक है, 200 ग्राम, ठीक कितनी क्रीम जो है अब 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक है वो डाली जाएगी और दही पड़ेगा, ठीक। कलर देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया कलर आ रहा है ना, देखो मुर्गा हमारा फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आपको कलर दिख रहा होगा। अब क्या करना है इसको, इसे डालना है, ठीक है डालो। अच्छा ये जो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई थी इसमें डाल दिया है मुर्गा, ठीक, और ये रहेगा, और ये बचा हुआ मुर्गा ये भी डल गया। आप ना भी नहीं, अरे हाँ रुको ऐसे आग बंद कर दे, अरे इसका ये वाला तो निकाल, ये पतला नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा ठीक। ये पानी डालोगे इसमें, अच्छा दही डालेगा, अच्छा ले आओ, चम्मच बैठा है, अरे साफ है ना, बहुत सारे चम्मच, ये दही डाल रहा है, ये दही 2 चम्मच, देखो 3 चम्मच, 3 चम्मच दही डाल दिया, और ये क्या है, क्रीम, ये क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है, मतलब होममेड क्रीम है, ये क्रीम है, क्रीम भी डाल सकते हो, ये दूध की मलाई है फिलहाल। कितने चम्मच डाला, बस 5 चम्मच इन्होंने ये मलाई डाला है, और क्रीम है तो क्रीम डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं, घर की मलाई है तो और ज्यादा बेटर है। कावड़ा देना है, ये बेटा रेड चल ये ले लो, ठीक तो बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है, पानी देना भाई, अच्छा जी, और इसमें पड़ेगा थोड़ा पानी,
ये क्या है मखाने है ना, मखाने इन्होंने तेल में फ्राई कर लिए और ये ऊपर से डाल रहे हैं। मखाने थोड़े से डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, ऐसे 25-30 मखाने बस काफी है, देखने में भी अच्छे लगेंगे। वैसे तो ये टेस्टलेस होते हैं, ज्यादा इनका टेस्ट जिसमें डालोगे उसी ऐसा टेस्ट आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बस हमारी फाइनली ये चिकन रेडी हो चुका है लगभग, बस इसको इन्हें थोड़ा सा और ये थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, ये ग्रेवी को थोड़ा पतला करेंगे। उसके लिए इन्होंने पानी गर्म किया है, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, गर्म पानी करके डालना है इसमें। गर्म पानी इन्होंने डाला है क्योंकि ग्रेवी रोटी से और चावल से भी चाहिए, इसलिए इन्होंने पानी ठंडा नहीं डालना है ना, ठंडे से तो मसाला खराब हो जाएगा। ओके टेस्ट चेंज हो जाएगा। अभी अभी 2 मिनट के बाद इसमें और थोड़ा सा कलर आ जाएगा ऊपर, फिर आप देखना। ये देख सकते हैं फाइनली हमारा चिकन तैयार हो गया है और कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए